Hello, this video is about larval forms of Echinodermata. Echinodermata के larval forms क्या होते हैं, किस तरह के larva मिलते हैं, Echinoderms क्या होते हैं. Echinoderms का सबसे easy example है starfish. Okay, तो वो Echinodermata में आती है. And इनके larval forms क्या करेंगे, जब इनका reproduction होता है, new organism बनने जाता है, तो उसमें कुछ larva forms होते हैं. ये फॉर्म्स क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग होंगे, फ्री लिविंग होंगे, और ये क्या करेंगे, ये फिर आगे जाके एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. ओके, अब ये सबसे पहले है इसका डिप्लोरा लार्वा या अर्ली बाइपिनेरिया लार्वा. डिप्लोरा लार्वा बोला हमने, या अर्ली बाइपिनेरिया. अर्ली बाइपिनेरिया इसलिए क्योंकि आगे जाके बाइपिनेरिया लार्वा बनाता है. तो ये किस क्लास का है, ये क्लास एस्ट्रोइडिया का मेंबर है. ठीक है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है, मतलब प्रथम लार्वल अवस्था है. सबसे पहले जो लार्वल अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी, ये आएगी. ठीक है, ये कैसा है, सूक्ष्म है, छोटा सा है, बारीक सा है, माइन्यूट है. ठीक है, एग लाइक है, एग की तरह दिखता है, और बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल है. अब बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, कि अगर इसको बीच में से डिवाइड कर दिया जाए तो इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. ओके, दिस इज कॉल्ड बायलेटरल सिमेट्री. और एस्ट्रॉइडिया क्लास में मोस्टली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसको हम कहीं से भी बीच में से डिवाइड किया जा सकता है, बट दिस इज व्हाट बायलेटरल सिमेट्रिकल. ठीक है, अब माउथ इज फॉर्म बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ स्टोमोडम. स्टोमोडम क्या करेगा, स्टोमोडम या मुखपथ जो है वो अंदर धस के क्या बनाएगा, माउथ बनाएगा. ओके, उसके बाद ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा, एनस बनाएगा. तो इसका माउथ बन गया, एनस बन गई, एलिमेंट्री कैनाल. अब यहाँ पे माउथ से लेके एनस तक में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तीन भाग में डिवाइडेड है, क्या क्या, इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रसनाल, आमाशय और आंत. तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी, जो कि क्या काम करेगी, डाइजेशन का काम करेगी. ठीक है, अब इसमें दो सिलियरी बैंड प्रेजेंट होते हैं. सिलिया क्या काम करेंगे, सिलिया इसको तैरने का काम करेंगे. ठीक है, तो ये दो सिलियरी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. प्रीओरल बैंड होता है और अडोरल बैंड होता है. ठीक है, प्रीओरल बैंड मतलब प्री ओरल से हम समझ ही रहे हैं. प्रीओरल मतलब मुंह के पहले जो बैंड होगा. ठीक है, और कौन सा होगा, अडोरल बैंड होगा. ठीक है, और फिर ये क्या करेगा, डायटम्स को खाता है एज अ फूड. डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन तरह के डायटम्स को ये खाएगा. और ये कन्वर्ट किस में होगा, बायपिनेरिया लार्वा में जाके कन्वर्ट हो जाएगा. ओके,